मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में 371 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं के लिए कार्य किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वर्ष 2019 में यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा काम किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि मुरादाबाद डिवीजन में सभी के लिए सुविधाओं को लेकर अनेक योजनाएं भी तैयार की गई हैं, जिसका आने वाले समय में सभी को फायदा पहुंचेगा। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि मुरादाबाद की थर्ड एंट्री गेट हो या फिर लोगों शेड पुल, जल्द ही जनता के हवाले कर दिया जाएगा और जिससे यात्री और मुरादाबाद नागरिकों को फायदा पहुंचेगा। रेलवे प्रशासन का बस एक प्रयास है कि मुरादाबाद डिवीजन की जनता हो या फिर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिसमें सफलता भी मिल रही है। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जहां पर यात्री सुविधाओं के साथ विकास कार्य तेजी के साथ कराए जा रहे हैं, जिसका फायदा डिवीजन के सभी यात्रियों के साथ नागरिकों को पहुंच रहा है। यही वजह है कि रेल मुख्यालय द्वारा मुरादाबाद डिवीजन को विकास कार्य और यात्री सुविधाओं को लेकर कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्ष 2019 बीतने को है और 2020 आने को है। ऐसे में वर्ष भर किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कराया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि मुरादाबाद डिवीजन के सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को लेकर काम किया जा रहा है, जिसमें सभी यात्रियों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है और जिससे यात्रियों को फायदा भी पहुंच रहा है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि कई करोड़ रुपए की लागत से मुरादाबाद में विकास कार्य किए गए हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की थर्ड एंट्री गेट हो या फिर लोको शेड पुल, जिसका कार्य जनवरी माह में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही मुंडर रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि हमारा मकसद ये है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जिसको लेकर मुरादाबाद डिवीजन के सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मान सिंह मीना व सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडल में हमारे यहाँ 111 स्टेशन टारगेट करे गए थे जहाँ पे वाईफाई की सुविधा दी जानी थी, और सभी 111 के 111 स्टेशन पे ये सुविधा चालू कर दी गई है। जो हमारे यहाँ बचे हुए स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य भी करा जाना है, तो एक बार जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूरा हो जाएगा तो जो बचे हुए स्टेशन है वहाँ पर भी ये सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। कैशलेस की सुविधा हमारे हर स्टेशन पर उपलब्ध है। आप POS मशीन भी हमारे यहाँ लगी हुई हैं 38 जगह पे, और इसके अलावा UPI के थ्रू जो आप अपना भीम ऐप से इन सब से अगर आप पेमेंट करके कोई टिकट बुक कराना चाहें तो किसी भी स्टेशन पे ये सुविधा उपलब्ध है, हर स्टेशन पे सुविधा उपलब्ध है। पिछले वर्षों में और इसको दुर्घटनाओं में क्या अंतर हुआ? देखिए, पिछले वर्ष करीब हमारे यहाँ 13 दुर्घटनाएँ थी, जो मेजर इंसिडेंस जिन्हें आप कह सकते हैं हुई थी। ये संख्या इस वर्ष 8 है, और कई सारे मुद्दे हमारे मंडल से ऐसे जुड़े हुए हैं जो सेफ्टी से सीधे सीधे लिंक थे, इसमें हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। इन 8 दुर्घटनाओं में मुख्यतः हमारे ट्रैक से रिलेटेड दुर्घटनाएं थीं, जिसमें हमारा ट्रैक रिन्यूअल एक मेजर फोकस एरिया रहा है, और इस वर्ष हम लोगों ने करीब 160 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यूअल, 240 किलोमीटर का रेल रिन्यूअल करा है, जो कि पिछले 5 वर्षों में हाईएस्ट है। और हमारा लगातार ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब कार्यों को हम लोग अपना करें और लक्ष्य से ज़्यादा ऊपर की प्रोग्रेस अचीव करें, ताकि इन दुर्घटनाओं में और भी कमी ला सकें। दिव्यांग लोगों की नहीं क्या व्यवस्था की है? इसमें मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो हम लोग ने दिव्यांग जन के जितने भी हमारे टॉयलेट की फैसिलिटीज होती हैं, वो हम लोग के यहाँ जो हमारे A1, A और B कैटेगरी के जितने स्टेशन हैं हमारे डिवीजन में, उन सभी स्टेशन पे ये फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एक जो दिव्यांगजनों के लिए आईडी कार्ड इशू करा जाता है, उस आईडी कार्ड के लिए एक हम लोग ने वेबसाइट डेवलप करी है, जिसमें वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आईडी कार्ड इशू करने के लिए। और जो भी हम लोग का मेजर नियरेस्ट स्टेशन होता है, वहाँ को ऐसा नहीं कि बहुत जगह कहीं चक्कर लगाने, उस कंटिन्यूसली अपना स्टेटस देख सकते हैं कि उनके आईडी कार्ड का स्टेटस क्या है, बात कर सकते हैं, और उनको फाइनली जब भी उनका आईडी कार्ड रेडी हो जाता है तो उनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस ये हमारे लिए भी एक टूल की तरह कार्य करती है, जिसमें हम लोग सेंट्रली इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, करने का प्रयास करेंगे। मुरादाबाद की थर्ड एंट्री लेकर क्या किया जा रहा है और कब शुरू?
ये मुरादाबाद की थर्ड एंट्री का काम हमारी काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पर है। सिविल इंजीनियरिंग वर्क हमारे तकरीबन वहाँ पे पूरे हो चुके हैं। इस समय वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और जो टेलीकॉम्स रिलेटेड कार्य है वो चल रहे हैं, जिससे कि आपको यात्रियों को जो टिकट बेचने की सुविधा है और बाकी जो सुविधाएँ दी जाती हैं उस पर कार्य वो पूरी हो सकें। एक बार पूरी होने के बाद हमारा प्रयास रहेगा उसको जल्दी से जल्दी यात्रियों के लिए खोल दिया जाए। तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने बहुत सारे दिशाओं में कार्य करा है, जिसमें एक मुरादाबाद बरेली में एस्केलेटर लगाना, मुरादाबाद स्टेशन पे वीआईपी लाउंज को चालू करना, हापुड़ स्टेशन पे कोच गाइडेंस लगाना, और ये कोच गाइडेंस और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड हमारे बरेली और मुरादाबाद स्टेशन पे भी लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। 111 स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा देना, दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट बनाना, बरेली और रामपुर में सेकेंड क्लास वेटिंग हॉल का काम पूरा होना, जो हम लोग के स्टेशन पे वाटर सप्लाई की जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर एडिशनल ट्यूबवेल लगा करके पानी की सप्लाई रिस्टोर करना, एक देहरादून और हरिद्वार में सर्विस का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, जिसके लिए हमें ISO 14001 सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ, और जो हम लोग के यात्रियों को अनऑथराइज वेंडर से या अनऑथराइज चीज़ें जो स्टेशन में मिलने से जो असुविधा होती थी उसके लिए एक मैसिव कैंपेन चलाना कि स्टेशन से हमारे अनऑथराइज वेंडर निकल जाएं, और इसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों की हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों के अंदर गिरफ्तारियां भी करी और उनको विभिन्न धाराओं में वो कई लोग उसमें से जेल भी गए, जिससे कि हम आप पूरी तरह से इन सब चीज इस तरह की मैनेज को हम लोग अपने यहाँ समाप्त कर चुके हैं। ये हमारे प्रमुख कार्य थे जो हम लोगों ने इस वर्ष में अपने यहाँ करें। मुरादाबाद की लोको शेड पुल है और सोनमपुर पुल है, उसका काम कब तक चलेगा, कब तक उसको जनता? देखिए, मुरादाबाद का लोको पुल में अब जो हम लोग को गर्डर लॉन्च करने का काम हमारा खाली रह गया है, रेलवे को जो द्वारा करा जाना है। गर्डर आपने देखा होगा कि ऑलरेडी साइट पर उपलब्ध है और उस पर जो बोल्टिंग का काम है वो ऑलरेडी चल रहा है। एक बार बोल्टिंग का काम अगर हो जाता है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जनवरी के प्रथम 10 दिन में इसको ट्रैक के ऊपर रखने का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। एक बार वो गर्डर हमारा ट्रैक के ऊपर रख जाता है तो फिर रेलवे का कार्य काफ़ी स्पीड से उसके ऊपर सड़क बनाना, बाकी काम करना, कॉन्क्रीटिंग करना, ये काम है चलना चाहिए। तो जैसा आपने जब हमारे महाप्रबंधक मुरादाबाद आए थे उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक हम रेलवे अपना कार्य पूरा कर लेगा, तो हम लोग उसी टारगेट को लेकर के चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा 31 जनवरी तक कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए, हम लोग ने एक अपना मुरादाबाद डिवीज़न ने एक जो यहाँ की TMU है, यूनिवर्सिटी है, उसके जो आर्ट्स फैकल्टी है उसके साथ हम लोग ने अपना एक वो कोलाबोरेशन से हम लोग पेंटिंग बना करके मुरादाबाद स्टेशन पर लगा रहे हैं। बट ये कोलाबोरेशन हमारा कई सारे और जगह भी चल रहा है, देहरादून में, हरिद्वार में, और रिसेंटली कोटद्वार स्टेशन पे भी जो गढ़वाल संस्कृति की बहुत सारी है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के कार्य करे गए, वहाँ पे पेंटिंग बनाई गई। रामपुर एक और स्टेशन है जो हम लोग अगेन TMU यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उनके कोलाबोरेशन से वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का कार्य करेंगे, और उसके लिए ऑलरेडी वो अपनी कुछ पेंटिंग वगैरह उनके अपने वर्कशॉप्स में बन रही हैं। एक बार फिर हम लोग उसको जॉइंटली एक बार बन जाती हैं तो देखेंगे कहाँ पर उनको लगाना है, क्या करना उसका।